राधे राधे नानी। अरे जीती रहो, क्या बात है, आज हमारी डॉली बिटिया बहुत खुश नजर आ रही। नानी दो दो खुशी की बात है। दो बातें कौन सी? पहली तो कल हमारी पहला करवा चौथ का व्रत है, और दूसरी खुशी, और दूसरी हमारी जो बचपन की सहेली थी ना मेनका, वो आने वाली है आज घर पे। मेनका? अच्छा, जिसकी शादी वृंदावन में हुई थी। जी नानी बिल्कुल वही मेनका। पता है शादी के बाद हम पहली बार मिलेंगे आज। लगता है वो आ गई नानी, हम जाके देखते। देखो देखो मेनका, मेनका, डॉली। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। वही तो, चलो आओ। हाँ, एक राधे राधे नानी जी। खुश रहो बेटिया, खुश रहो, अरे खुश रहो, बस बस बस, इधर आओ गले लो। अरे मेनका बिटिया अकेले आई, जमाई बाबू कहाँ है? नहीं, वो दरअसल उन्हें आगरे में कुछ काम था, तो मैंने उनसे कहा कि आगरा जाते जाते मुझे मथुरा छोड़ जाओ, तो बस मैं आ गई। अच्छा किया। हाँ, तुझसे तो कितनी बार कहा हमने झलक दिखला जा, लेकिन तू तो एक लड़की अनजानी सी हो गई। अब क्या बताओ डॉली, जब से साथ फेरे हुए हम तो परदेसी हो गए। साजन नदिया के उस पार गए तो मुझे तुम्हारी याद दिलाने लगे, सपने सुहाने लड़कपन के। चलो नीम के पेड़ पर जाके झूला डाले। ठीक है। अरे बिटिया झूला बाद में डालना, पहले बड़े लाल को बुलाओ और चूल्हा जलवाओ। अरे तुम्हारी सहेली मेनका इतने सालों के बाद आई है, इसको कुछ नाश्ता पानी करवाओ। दोनों सहेलियां गप्पे मारो, हम आराम से वहाँ बैठ के चाय पीते। जी नानी। मेनका तू आ गई है ना, तो दिल मिल गए। अब कल का व्रत हम साथ में रखेंगे, करवा चौथ का। ठीक है डॉली, करवा चौथ का व्रत ससुराल में रखा जाता है, मायके में नहीं, तो मैं तो नहीं रख रही। अजाब गजाब घर जमाई। अच्छा जीजू के बारे में तो कुछ बता, कैसे हैं, क्या करते हैं? मेरे कैलाश जी ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। पता है घर में कभी महाभारत नहीं करते, और तो और मैं ही हूँ जो रंग बदलती ओढ़नी की तरह अपने नखरे दिखाती रहती हूँ। मेरी छोड़, तू बता तेरे चिंटू जी कैसे हैं? अब हमारे चिंटू जी के बारे में क्या बताएं? वैसे वो कैलाश जी से भी ज्यादा अच्छे हैं। पता है जब उन्होंने हमें पहली बार देखा था तो क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था देखा एक ख्वाब, बीन बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, साथिया साथ निभाना, आओ साथ फेरे ले और एक पवित्र रिश्ता बनाए। बस फिर बन गए हम उनके अर्धांगिनी। क्या बताएं उनके साथ तो कितनी मस्त है जिंदगी, हम बड़े ही भागो वाली हैं। मेरे कैलाश जी सबसे अच्छे हैं। पता है वो एकदम आर्यमान जैसे हैं। हमारे चिंटू जी सबसे अच्छे हैं, वो शक्तिशाली परिवार के शक्तिमान हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। पता है अगर मैं अपने कैलाश जी से एक मुट्ठी आसमान भी मांग लूं ना, वो भी मुझे लाके दे देंगे। मेरी कही हर बात मानते हैं। और हमारे चिंटू जी तो बिना कहे हमारी सब बात मान लेते हैं। कोई पति इतना अच्छा नहीं होता। वैसे कहने में क्या हर्ज है। अरे नहीं नहीं मेनका, हमारे चिंटू जी तो बिल्कुल वैसे ही हैं, उतने ही अच्छे हैं। हम अगर उनकी एक पल की जिंदगी में से कुछ मांगे ना, तो वो सब कुछ दे देंगे हमें। हाँ अच्छा ऐसी बात है तो एक काम कर, कल करवा चौथ है तो तू अपने पति से एक तोहफा मांगना, फिर देखना कि वो तोहफा तुझे कल मिलता है या फिर साथिया सात कदम सात जन्म में पूरा करेंगे। ठीक है देख लेना, लेकिन मांगना क्या है? मैं हूँ ना, मैं बताऊंगी तुझे, लेकिन पहले तू मुझे अपने माही वे से तो मिला। अरे हाँ मिलवाते। अरे हमारा मिष्ठान भंडार तो आपकी वजह से चल रहा है जी। 20 किलो पे 1 किलो हमारी तरफ से फ्री आपको। हाँ जी ठीक है जी, पहुंच जाएंगे जी। राधे राधे जी। चिंटू जी अरे इनसे मिलिए, ये है हमारी बेस्ट फ्रेंड मेनका, और मेनका ये है हमारे प्यारे चिंटू जी। नमस्ते चिंटू जी। जैसा सोचा था बिल्कुल आपको वैसा ही पाया, एकदम शक्तिमान जैसे हुआ। अजय ये तो आपका बड़प्पन है, बुद्धिमान को शक्तिमान बना दिया आपने। अरे चिंटू जी आज के जमाने में बुद्धिमान ही तो शक्तिमान होता है। वो बेटे की जान। डॉली जी आपकी जो ये फ्रेंड है ना, बिल्कुल आपकी तरह है, सर्वगुण संपन्न। आपके हस्बैंड बहुत खुश रहते होंगे आपसे हैं? एक आदमी को क्या चाहिए जीवन में, भगवान से यही प्रार्थना करता है कि बढ़िया सी समझदार बीवी मिल जाए उसको। मैंने भगवान से ही प्रार्थना की थी, ऐसे उल्टे सर पे खड़ा रहा था, भगवान ने बार भी डॉली दे दी मुझे। ये सब तो ठीक है चिंटू जी, अगर कल हम आपसे कुछ मांगे तो क्या आप हमें दोगे? पूछने की बात है क्या, जो मांगना है मांग लो, आप बताओ क्या चाहिए आपको? वो तो हम कल ही बताएंगे, अभी तो आप हमें सिर्फ वादा ही कर दीजिए बस। ये आज बता दो, कल कुछ खास है क्या? कल करवा चौथ है, इस दिन एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, लेकिन पतियों को कुछ याद नहीं रहता। डॉली, पतियों को इतने काम होते हैं, अब क्या क्या याद रखेंगे, है ना चिंटू जी? 10,000 काम होते हैं जी हम लोगों को। ऐसा भी क्या काम? हाँ, एक पत्नी करवा चौथ के दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहती है, फिर इनका चेहरा देख के कुछ खाती है और पतियों को कुछ भी महसूस नहीं होता। डॉली जी करवा चौथ पे क्या मांगे? शायद मुझसे व्रत रखवाना चाहती है। डॉली जी वादा रहा, सीधे हाथ से है, आपको जो मांगना है आप मांग लेना, चिंटू चौटाला आपको देगा। हैं? सच्ची? मुझे अगर झूठ बोलूं ना तो नाना जी को सालों साल मिठाई नसीब ना हो। चिंटू जी झूठ कम तो ना। ठीक है, चल मेनका हम कल की तैयारियां करते हैं, बहुत काम है चिंटू जी। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा जी आपसे मिलके। राधे राधे। राधे राधे। सी आप सीख गए, मथुरा में आते ही सीख गए, बहुत बढ़िया। चलो बड़े लाल जी बहुत तेज भूख लग रही है, फटाफट से कुछ खिला दो यार, क्योंकि कल मैं व्रत रखने वाला हूँ करवा चौथ का। ये क्या, काले बादलों में से जैसे बिजली चमकती है वैसे तुम्हारे मुंह पे दांत क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि जमाई जी आप मालकिन जी का रिवाज निभा रहे हो ना, इसलिए। वैसे चिंटू जी इस घर में जमाई लोग आते हैं, तो करवा चौथ का व्रत जमाइयों को ही रखना चाहिए ना। पक्का सांप है तू जेब में अपने 24 घंटे नमक लेके घूमता है ना, जहाँ पे थोड़ा सा जख्म देखा फटाफट छिड़क देता है, बेवकूफ आदमी। अब एक बात बता, जमाई घर में रहे ससुराल में रहे क्या फर्क पड़ता है, रहता तो पति है ना, बीवी तो बन नहीं जाता है। डॉली जी कल मुझसे वादा लेने वाली है, इसलिए मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगा। डॉली दीदी वादा लेने वाली है, लेकिन आपको कैसे पता कि डॉली दीदी व्रत रखने का ही वादा लेने वाली है? चिंटू जी राजा दशरथ ने भी कैकेयी के वादे को एकदम हल्के में लिया था, और उस वादे के चक्कर में पूरी रामायण हो गई थी। हाँ राक्षस, शक्ल से नहीं है तू, आजकल बातें भी राक्षसों वाली कर रहा है, हैं? पर बात तो सही कर रहा है तू, 16 आने सही बात कर रहा है। बड़े लाल जी एक बात बताओ, ये जो आप कमाल की जासूसी करते हो हैं, इसके लिए कोई जासूसी की किताब विताब पढ़ते हो क्या? यही तो राज की बात है, कोई भी बड़े से बड़ा जासूस अपना राज खोल सकता है, लेकिन ये बड़े लाल जासूस जो है ना अपना राज कभी नहीं खोलता। वो बेटे की जान, बहुत सही बहुत सही बहुत सही नाम है, बड़े लाल जासूस। तू कार्ड क्यों नहीं छपा लेता अपने बड़े लाल जासूस के नाम के, हैं? लेकिन क्या फायदा है, ये तो वही बात होगी ऊंची दुकान फीके पकवान। कौन सी बात? अरे भाई यही बात कि आप अपनी जासूसी से छोटी सी चीज नहीं पता कर सकते कि डॉली जी मुझसे क्या मांगने वाली है, क्या वादा लेने वाली है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम पता नहीं लगा पाएंगे? बस आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम ये पूरा काट पीट के आपको अपनी जासूसी का कमाल दिखाते हैं। पक्का? पक्का पक्का। तू करके दिखा दे, तेरे 100 कार्ड मैं छपाऊंगा बड़े लाल जासूस के नाम के। पक्का हम पक्का अपना जासूसी तेरा बिजनेस मैं करवाऊंगा, देख तू। अपने जासूसी का जलवा दिखाएंगे हम आपको। चलो जासूस को काम पे लगा दिया है, अब शायद कुछ बात बने, और बात बने तो बेटा चल, ऐसे बौखलाए हुए बड़बड़ाए से कहाँ निकल रहे हो? नानी जी की जाओ, नानी जी बौखला नहीं रहा हूँ मैं, खुशी से खिलखिला रहा हूँ। कल करवा चौथ है ना, डॉली जी मुझसे कुछ मांगने वाली है। हाँ तो बेटा देना तो पड़ेगा, क्योंकि स्त्री की जिंदगी में पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन करवा चौथ आता है। अब हमारी बिटिया जो मांग रही है उसको दे देना, वहाँ चंटगिरी मत दिखाना। नहीं नहीं नानी जी, डॉली जी जो मांगेगी मैं उनको दे दूंगा, और वैसे भी नानी जी लेने से ज्यादा ना सबसे ज्यादा खुशी देने में मिलती है। वाह बेटा, ऐसे ही सादे विचार सदा बनाए रखना, तुम्हें शक्तिशाली निवास में कोई कठिनाई नहीं आएगी। हाँ खुश रहो, जीते बिल्कुल। राधे राधे। हाँ कठिनाई फिलहाल तो यही है, डॉली जी पता नहीं क्या मांग ले। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। इसमें धन्यवाद किस बात का, ये तो हमारा काम ही है सबकी सेवा करना। डॉली दीदी कहाँ गई? वो अपनी चाची जी के यहाँ गई है, बस आती ही होगी। अच्छा मेनका जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज तो आप हमें बताइए, वो क्या है ना, किसको क्या चाहिए, कब चाहिए, इस सब का ख्याल हम ही रखते हैं। वैसे बड़े लाल नाम है हमारा। जी ठीक है। अब डॉली दीदी को चिंटू जी से करवा चौथ पर तोहफे में क्या चाहिए ये भी बता दीजिए। अच्छा, ये चिंटू जी का जासूस है। वो क्या है ना कि डॉली दीदी को चिंटू जी से कुछ भी चाहिए हो, लेकिन तैयारी तो हमें ही करनी है ना, हाँ, इसलिए हमें पता होना जरूरी है। बड़ीलाल जी, डॉली को क्या चाहिए ये तो उसने हमें भी नहीं बताया, पर वो कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ पहेली सी। कैसी पहेली, कैसी पहेली? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, शायद आपको समझ में आ जाए। हाँ। अब हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमारे बीच में ही रहेगी, किसी को नहीं बताऊंगा। आप बताइए बताइए। डॉली कह रही थी कि तोहफे को रखना है एक ऐसे डिब्बे में यार, कि तोहफे को छोड़ डॉली को हो जाए डिब्बे से प्यार। कुछ समझ में आया? तोहफे को रखो ऐसे डब्बे में यार, तोहफा छोड़ के डॉली जी को हो जाए डब्बे से प्यार। इससे तो कुछ भी साफ नहीं हो रहा बड़ेलाल कि डॉली जी कल क्या मांगने वाली हैं। चिंटू जमाई जी, हम भी यही सोचते हुए आ रहे थे, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। सुनिए जरा, क्या होगा उसका, सब धरा का धरा रह जाएगा, देख ले। हैं, छोटा सा काम है, हैं? तू इस घर का जासूस नंबर 1 है, अगर तेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, समझ रहा है? हैं? समझ। ऐसे नहीं समझना, नानी जी के सामने जैसे कराटे करता है तू वैसे करके बता। समझ गया मालिक। अभी हिरन हो ले फटाफट। हाँ। लग जा धंधे पे। तोहफे को रखो ऐसे डब्बे में यार, तोहफा छोड़ डॉली जी को हो जाए डब्बे से प्यार। तोहफा क्या है और डब्बा क्या है? वो बेटे की जान, हो गया अपना काम। सासुमा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है, आज पेट्रोल पे मेरा मतलब है बड़ी जल्दी में निकल रही हूँ। हाँ चिंटू जमाई जी, कल करवा चौथ की पूजा है ना, बस उसी की तैयारी में लगे हैं। अच्छा अच्छा, आपके और ससुर जी के तो कई करवा चौथ निपट गए है ना, तो बहुत सारे तोहफे इकट्ठे हो गए होंगे। हाँ वो तो है। तो सासू माँ ऐसा भी होता है कि ससुर जी जो तोहफे लाते हैं वही लेती हो, या फिर कुछ अपने मन से भी मांग लेती हो आप? अब चिंटू जमाई जी आपसे क्या छुपाए, पहले करवा चौथ पे मांगा था हमने तोहफा बनारसी साड़ी, लेकिन विज्ञान जी बनारसी पान उठा कर ले आए। उसके बाद से प्यार से विज्ञान जी जो लाते हैं हम रख लेते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये सवाल आपने अचानक से क्यों पूछा? मेरा डॉली जी का कल पहला करवा चौथ है ना। ओ हाँ हाँ। अब क्या है ना सासू माँ, डॉली जी पता नहीं मेरे से ऐन वक्त पे क्या मांग ले, इंतजाम कर पाऊं नहीं कर पाऊं, समझ रही हो आप बात? ये टेंशन खा रही है मुझे अंदर ही अंदर। चलो खैर क्या कर सकते हैं, जो भी होगा ऐन मौके पे देखा जाएगा। चलता हूँ मैं, राधे राधे, काम बना दे। खुश रहिए। आप चिंता मत करिए चिंटू जमाई जी, हम करते हैं आपके तोहफे का इंतजाम। अजाब गजब घर जमाई। डॉली बेटा, पूजा की तैयारी हो गई करवा चौथ की? जी मम्मी, बस चल ही रही है। कल तो करवा चौथ है, विज्ञान जी हमें तोहफा देने वाले हैं कल, और तुम क्या लेने वाली हो तोहफे में चिंटू जी से? डॉली, ये हार कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है, देखिए ना मम्मी, ऐसा ही हार ना बालिका वधू में आनंदी जी ने पहना था। ये देखिए, तो मैंने कैलाश जी से कहा और अगले ही दिन वो मेरे लिए ऐसा ही हार ले आए। तो क्यों ना हम भी ऐसा ही हार तोहफे में मंगवा ले? हाँ बढ़िया रहेगा। अच्छा है, अच्छा है, तुम लोग बातें करो, हम अभी आते हैं। जी हाँ अच्छा है। हाँ डॉली, मैं ये पूछने आई थी कि कल तुम वो कल डॉली अपने चिंटू जी से करवा चौथ के तोहफे में कार मांगेगी है ना? मैं ये बेकार सवाल क्यों पूछूंगी, मैं तो ये पूछने आई थी कि वो तुमसे जो करवा चौथ के लिए बिंदी मंगाई थी लाल वाली, वो तुम लाई हो ना? ओ हाँ, हम लाए हैं ना दीदी। अभी ना वो एक्चुअली ना ये लाल बिंदी मेरे महान जी को बहुत पसंद है। अच्छा ये लीजिए, करवा चौथ में लगाऊंगी। टाटा टाटा। अच्छा मेनका, ये बता कि तूने डॉली दी को ऐसा क्यों कहा कि हम चिंटू जी से कार मांगने वाले हैं? डॉली तू ना बड़ी भोली है। तेरे जो प्रीतम प्यारे हैं ना, वो बहाने से सबको तुझे पूछने भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें जानना है कि तू उनसे आखिर मांगने क्या वाली है। हम क्या मांगने वाले हैं ये तो हम भी नहीं जानते। मेनका तू ही बता ना हमें राज पिछले जन्म का कि हम क्या मांगे। डॉली तू सब्र के साथ एक पैकेट उम्मीद तो रख, शाम तक तुझे सब बता दूंगी। पक्का? पक्का। हाँ कहो बड़ेला। मालकिन जी सब कुछ नियम से चल रहा है, सब लोग करवा चौथ की तैयारी में लगे। बस चिंटू जमाई इस जुगत में है कि डॉली दीदी को कल करवा चौथ में गिफ्ट कौन सा दे। ध्यान रखना बड़ेलाल, चिंटू को उपहार देना कहीं हमारे पैसे न खर्च कर दे। नहीं मालकिन, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो। आजकल मैं रसोई में सिर्फ सुबह और शाम में रहता हूँ, बाकी पूरा समय मैं चिंटू जमाई जी के आसपास ही रहता हूँ। हाँ भैया एक मिनट, दोपहर का खाना कौन बनाता है? अरे जाओ, पता है हमको को। जाओ चलो। अजाब गजब घर जमाई। एक बार और सुन लो आप लोग, तोहफे को रखो ऐसे डब्बे में यार, तोहफे को छोड़ के डॉली जी को हो जाए डब्बे से प्यार। तोहफे को रखो ऐसे डब्बे में यार, तोहफे को छोड़ डॉली जी को हो जाए डब्बे से प्यार। साड़ू जानी, वैसे तो आपकी ये पहेली बहुत आसान है लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल है। साडू भाई कभी तो सीन की डिमांड के हिसाब से एक्टिंग कर लिया करो, ₹1 का फायदा नहीं है नाना जी इनका। आप बताओ मुझे, क्लाइमैक्स चल रहा है, आपने नंबरिंग शुरू कर दी है। अगर इस पहेली का हल नहीं मिला ना, मैं बता रहा हूँ, तो मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं होगी, सारे जवाई कौम की मुंह पे थूथू हो जाएगी। चिंटू बेटा मुझे लगता है कि डॉली बिटिया तुमसे बैंक का ATM कार्ड चाहती है। अब देखो वो तो गिफ्ट हो जाएगा और वो बॉक्स जिसमें से पैसे निकलते हैं, वो डिब्बा, तो उससे प्यार हो जाएगा। नहीं नहीं नाना जी, मुझे लगता है कि डॉली जी साड़ू भाई से फिल्म की टिकट मांग रही है। भाई फिल्म की टिकट हो गई तोहफा और थिएटर हो गया डब्बा, तो जाहिर सी बात है उनको डब्बे से यानी थिएटर से प्यार हो जाएगा क्योंकि फिल्म देखने भी तो वो वहीं जाएंगी थिएटर में। तुम्हारी फिल्म तो लगेगी नहीं। भाई जी हमें पता चल गया है कि डॉली को क्या चाहिए तोहफे में। क्या? उसे बालिका वधू में आनंदी ने जो हार पहना है ना, बस वैसा ही हार चाहिए। अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, जीत के लिए हार का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। चिंटू जी डॉली को कल ना आपसे ना तोहफे में कार चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। भाई डब्बे से ज्यादा तोहफे से प्यार, नहीं नहीं नहीं, तोहफे से ज्यादा डब्बे से प्यार। इसका मतलब तो सीधा है, हार और कार, यानी डॉली जी को कार के अंदर हार चाहिए। साड़ू भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि डब्बा हो गया कार और तोहफा हो गया हार, तो डॉली जी को हो गया ना डब्बे से प्यार। साड़ू भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, और इन्होंने जो बात कही किसी के समझ में आई, पल्ले पड़ी किसी के। डॉली जी ने डॉली जी के आगे कहा कार चाहिए, सासू माँ के आगे कहा हार चाहिए। मुझे तो लग रहा है डॉली जी को कुछ और ही चाहिए। अब मुझे ना अपना दिमाग चलाना नहीं दौड़ाना पड़ेगा, तो बेकार ही हो गए। दिमाग का पापड़ बन गया है। डॉली जी की पहेली समझ में नहीं आ रही है, क्या करूं? बेटी की जान, डॉली जी और मेनका जी कमरे में जाए तो पता लगे। कैलाश जी का फोन, एक मिनट। हेलो, अच्छी आप कैसे हो? पर आप तो ऑफिस में हो ना, आपको कुछ काम नहीं है? हाँ ना। अच्छा सुनो, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, अभी मैं डॉली के साथ गपशप कर रही। ओके बाय, लव यू। देखा तेरे सामने की बात है, सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं। अभी वो ऑफिस में है फिर भी उन्हें मुझसे बात करनी है। हाँ, और तेरे चिंटू जी के बारे में क्या कहें? इसी वजह से उन्होंने घर को ही ऑफिस बना लिया। कहते हैं कि अगर इंसान का मन घर पे ही लगा रहेगा तो वो काम कैसे करेगा। बहुत प्यार करते हैं ना हमारे चिंटू जी हमसे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो करवा चौथ पे तू उनसे वो मांग जो मैं तुझे कहूंगी। क्या? बाद में बताती हूँ। अरे नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अरे यहाँ आके बैठो। अरे मेनका, अब तुम इस क्या हादसा के हकीकत से पर्दा उठाओ और ये बताओ कि हम कल क्या मांगे चिंटू जी से। बताती हूँ। देखो, कल करवा चौथ के दिन पे तुझे अपने पति से ये तोहफा मांगना है कि तू अपने ससुराल जाना चाहती है, इसीलिए वो तुझे अपने साथ अपने घर ले जाए। अभी तूने मुझसे कहा कि चिंटू जी बहुत अच्छे है ना, अगर वो इतने अच्छे हैं और तुझसे प्यार करते हैं तो वो कल ही तुझे अपने ससुराल लेके जाएंगे, मतलब उनके घर में, है ना? हाँ। ओ बेटे की जान, अब समझ में आ गई। डॉली जी की सहेली और पहली दोनों, तोहफे को रखो ऐसे डब्बे में यार, तोहफा छोड़ डॉली को हो जाए डब्बे से प्यार। तोहफा यानी कि मैं और डब्बा यानी कि ससुराल, लेकिन ससुराल के नाम पर तो छोटे छोटा तेरा डब्बा ही कूल होता है। अजब गजब घर जा